भाई जिंदगी में मेरी कोई सलाह मानना बट ना मानना, पर ये वाली जरूर मानना है यहाँ पे भाई। भाई मेरी किस्मत खराब है। तुम ये खा लो भाई, मैं दूध पी ले रहा हूँ प्लीज। ठंडा लगा यार। भाई ग्लास का साइज तो जान भर सा है। पहले के लोग यार वो थी, पहले सभ्यता थी ना कि मतलब पूछते थे कि भाई खाओगे या नहीं खाओगे। अच्छा अरे मजाक कर रहा हूँ। तो भाई अभी सॉफ्टी खा ली और अभी घर वालों के साथ होता और खास क्या होता, तो अगर घर वालों के साथ होता और खास क्या होता ना थोड़ा सा भी। कितने के भाई जैकेट? जैकेट अलग अलग रेट में भाई साहब। बस स्टार्टिंग प्राइस क्या है? कम से कम 700 रुपये। कम से कम 700 रुपये कम से कम। तो भाई अंकल जो है झूठ बोल रहे थे और मेरे ब्लॉग में जैसा आपको पता है झूठ बिल्कुल भी चलता नहीं है। कितने के लिए भाई सच्चे बताओ। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द मसूर। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक बकचोद वाले भाई के साथ। हाँ कोई नहीं। तो भाई अभी मैं स्कूटी ले रहा हूँ और बाकी एक भाई मिल गए थे कल, तो अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। बाकी कितने की दे रहे हो भाई स्कूटी? 200, 300, 400, 450 की लगा दो। पिछली बार 500 की दी थी भैया, प्लीज लगा दो 450 की प्लीज। लगा रहे हो? लग गई 450 की। नहीं ऐसी 480 की लग जाएगी। 480 लगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। 490 की लगा दो और लास्ट भाई 500 की लगा रहे हैं। मैं बार्गेनिंग करता हूँ लास्ट तक। 490 95 पक्का। 5 रुपये बचना है, लगा लो 495। तो भाई असी दो मुंडे जाते सी देहरादून दे नाल दे मसूरी दे नाल। ते मेरा नाम हैगा जी अभिषेक ते ए भाई दा नाम विकास जी। सत श्री अकाल। तो भाई कोइंसिडेंस हो गया, मेरा नाम भी अभिषेक था और भाई का नाम भी अभिषेक है। तो भाई ने बोला मेरे को भी ब्लॉग में लो। क्या नाम है भाई बता तो? अभिषेक। अभिषेक तो भाई अभी हम जा रहे हैं स्मगलिंग करने। और भाई हम शंकर तो भाई अभी हम निकल रहे हैं मसूरी। और बाकी भाई एक चीज याद रखना, मर्द जो है बहुत सेक्रीफाइसेस करता है। अभी भाई सिर्फ एक औरत के लिए, एक औरत के लिए, और एक औरत पराई हो जाती है कुछ पल में ही। तो अभी भाई का ब्रेकअप हो गया था, भाई को मसूरी ले जा रहा हूँ। थोड़ा भाई का माइंड फ्रेश होगा, मैगी वैगी खाएंगे और दुनिया के भाई हम करेंगे वहाँ पे जाके। चलो भाई। हेलो गाइज, मेरा नाम अभिषेक है और मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। और डिप्रेशन को टैकल करने के लिए मैं डेली मसूरी चला आता हूँ, 70-70 किलोमीटर का सफ़र तय करके। तो भाई अभी हम मसूरी 14 किलोमीटर बचाए यहाँ से, बाकी मसूरी में आ रखा हूँ 4-5 बार और देहरादून तो मैं 40-50 बार आ रखा हूँ। और बाकी भाई अभी ये मौसम देखो, मुझे लगा सारा ऋषिकेश में धूप पड़ रही है, यहाँ पे ठंडक पड़ रही होगी, यहाँ भैंस की आँख, यहाँ पे भी धूप ही पड़ रही है। तो भाई मैं वैसे डेली से हूँ और मैं डेली वालों से गुजारिश करता हूँ कि भाई मसूरी मत आया करो, आप लोगों की वैसे जाम माम लग जाता है और हमारी जो ग्रीनरी है वो उसे पल्यूट हो जाती है ग्रीनरी। बाकी अभी हम भाई मोमोज खा रहे हैं और आपको मसूरी मॉल रोड दिखाऊंगा। कैसा लगा भाई मसूरी? पर अभी मसूरी तो हम पहुंचे ही नहीं। तो भाई मेरे ब्लॉग में झूठ भी बोला जाता है तो सावधान रहे, सतर्क रहे। ओए तो भाई अभी मोमोज मंगा लिया, धन्यवाद अंकल जी। या तो भाई मैं चूतिया हूँ या मेरी किस्मत चूतिया है। भाई ऋषिकेश से देहरादून आया था, ठंडी होगी एकदम, मजा आएंगे। यहाँ पे भी धूप निकल रही है, ऋषिकेश में भी धूप निकल रही थी, बट ये रात को यहाँ पे मौसम ठंडा रहेगा। बट मुझे लगा था दोपहर में सारा धूप धूप गायब हो गई होगी, बट कोई नहीं भाई, ठीक है, चूतिया ही सही, बट दिल के साफ है भाई। शादी में रुकावट नहीं आ जाती जैसे जी? हमारी थोड़ी रुकावट आ गई है बट कोई नहीं, पहुंचने वाले मसूरी। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा, उल्टी उल्टी मार देगी, पीछे रखो बस। अरे भाई 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 कभी भी खिड़की की साइड में मत खड़ा होकर, अगर टू व्हीलर में हो बहुत सटी है, कब उल्टी करते हैं भरोसा नहीं है भाई। इस हराम दादी की वजह से जाम लगा था, ये गाली दो कमेंट्स में इस भोसड़ी वाले को। आ गए भाई फाइनली मसूरी। ओए चुप चुप। ओए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो भाई अभी हम मसूरी आ गए हैं और वादियां चेक करो भाई, ठंडी हवा चल रही है और भाई पूरा पहाड़ देखो, ऐसा लग रहा है कि भाई कश्मीर आ गए हो।
हालांकि कश्मीर नहीं आए, कश्मीर इससे लाख गुना अच्छा है, बट कोई नहीं, मैं कश्मीर दो बार जा रखा हूँ तो मेरे लिए भाई नॉर्मल है ये पार्ट, इतने खास नहीं लग रहे, बट कोई नहीं, अगर भाई आप शॉर्ट ट्रिप बना रहे हो तो यहाँ के पार्ट ठीक है आप लोगों के लिए। बाकी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है और यहाँ पे अलाउड नहीं आना, बट फिर भी भाई कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो मत आया करो भाई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर फोटो खिंचा करो। हालांकि हम आ गए हैं बट मेरे को वीडियो बनानी थी, प्रमोट करना था, तो मैंने इसलिए आया हूँ यहाँ पे। पर्ची कटेगी क्या? हाँ क्या हो? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फॉरेन व्लॉग्स। नाउ आई एम लुकिंग लाइक अ फॉरेनर बट आई विल गिव माय बेस्ट टू गिव हिंदी व्लॉग्स। तो भाई अभी मसूरी आ गए हैं, यहाँ से भाई व्लॉग स्टार्ट करता हूँ मैं प्रॉपर वाला। बाकी जब भी भाई आप नीचे से आते हो तो हर कोई यहाँ पे जाता है फोटो खिंचाने, तो भाई ये रूल जो है ना कुछ चेंज करो, यहाँ पे फोटो मत खिंचाओ। और बाकी अगर आप शॉर्ट ट्रिप बनाना चाह रहे हो तो भाई शॉर्ट ट्रिप में सबसे बेस्ट बताऊंगा कौन सी जगह है भाई। जिंदगी में मेरी कोई सलाह मानना बट ना मानना, पर ये वाली जरूर मानना, यहाँ पे भाई कभी भी स्कूटी मत लगाना। मेरे एक बार लाया था स्कूटी तो 500 रुपए लग गए थे, लॉक लगा देते भोसड़ी वाले, और भाई लोगों का ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि कुछ भोसड़ी वाले वहाँ पे फोटो खिंचाने चले जाते हैं और स्कूटी यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये मॉल रोड है, यहाँ पे भी भाई रूल्स और रेगुलेशंस कर दिए इन्होंने, इन्होंने ये कर दिया कि स्कूटी जो है नहीं जा सकती अगर रेंट वाली है, तो बिना रेंट वाली जा सकती है। तो भाई अभी चल रहे हैं मॉल रोड, और एक नैनीताल की मॉल रोड गया था वो मेरे को बेकार लगी थी, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ अब ये मसूरी वाली मॉल रोड से, तो मसूरी वाली मॉल रोड काफ़ी अच्छी है और खाना भी अच्छा है मसूरी मॉल रोड का। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तो भाई मैं आपको रास्ते में वो सब भी दिखाऊंगा क्या क्या मिलता है, ये देखो शूज वगैरह मिल जाएंगे आपको, पता नहीं मेरे को लग रहा महंगे मिलेंगे। कुछ लेना है यार? यहाँ वही घूम रखा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा मेरा तो। चले इसके भाई पैसे हैं नहीं फ्री? अच्छा वहाँ काउंटर पे एक ही, तुम नहीं खा रहे? अरे दूध पी लेता मैं, भूल गया भाई, मेरी किस्मत खराब है। तुम ये खा लो भाई, मैं दूध पी लेता हूँ प्लीज। भाई साहब सही है भाई, मेरे को तो इन्होंने भाई आइसक्रीम दिलवा दी कि मैं बीमार पड़ जाऊँ, और खुद भाई दूध पी रहे हैं ताकि सेहत इनकी ठीक रहे। थैंक्स भाई। भाई ग्लास का साइज तो झांड भर सा है, छोटा सा। आ जाओ। तो भाई अभी हमने बिल नहीं कटाया, मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ क्योंकि इन्होंने हमारे साथ भाई देखो छोटा ग्लास दिया है, या तो मुझे लग रहा है साइज देख के तो नहीं देते, साइज देख के तो नहीं देते कि कितना है, तभी छोटा दिया। हूँ पहले के लोगों में यार वो थी, पहले सभ्यता थी ना कि मतलब पूछते थे कि भाई खाओगे या नहीं खाओगे। अच्छा अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ये सब रूल्स मत तोड़ो करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के ना, ये साल तभी लगाते हैं। तो भाई अभी सॉफ्टी खा ली, और अभी घर वालों के साथ होता और खास क्या होता, तो अगर घर वालों के साथ होता और खास क्या होता ना, थोड़ा सा भी मना कर रहा था भोसड़ी वाले के से आए कि मत खा आइसक्रीम, खा ली ना अब खास। तो भाई अभी चल रहे हैं मॉल रोड की तरफ, ये शायद 1.5-2 किलोमीटर कितना है, मतलब है अच्छा खासा है। और यहाँ पे भाई आ रहे तो स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करना, जैसे कॉर्न्स वगैरह हो गए, ये सब कॉर्न्स मतलब भुट्टे, जो भाई लिटरेट हैं और जो लिटरेट हैं भाई उन्हें कौन समझ आ जाएगा। और क्या है यहाँ पे, क्या भाई कश्मीर शॉल है जो, ये समझ नहीं आता, किसी भी स्टेट चले जाओ दूसरे स्टेट की बिक्री कर रहे हैं कश्मीरी शॉल हाउस साला। खाने में ये मक्के नहीं, कितने के भाई जैकेट? जैकेट अलग अलग भाई साहब, स्टार्टिंग प्राइस क्या है? कम से कम 700 रुपये, कम से कम 700 रुपये कम से कम। और भाई ज़्यादा गिरोगे विरोगे या गिर विराओगे तो 500 रुपये तक कर देंगे, 600 तक नहीं, 700 की ले लो भाई ले लो। अभी साथ भाई को कुछ ना कुछ लेके बोलो बोलो भाई, याद रहेगी मसूरी की कि मसूरी से कुछ लिया था मैंने। भाई इन्होंने जैकेट ले लिया, फोटो कह रहे हैं फोटो खींच लो, और फोटो खींच गई फिर लेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं भैया नहीं।
तो भाई अभी लड़ाई वड़ाई हुई, मैंने भाई समझ गए थे फोटो इसलिए खिंचा रहे हैं ताकि मतलब लेंगे नहीं, बट भाई ने बोला तो फोटो डिलीट कर दो या फिर लो, तो भाई को लेनी पड़ गई। अब कोई नहीं यार, कितने की मिली भाई? 2200। अच्छा क्या भाई? हाँ भाई फॉरनर तो दे देंगे। देखो तो भाई अंकल जो है झूठ बोल रहे थे, और मेरे ब्लॉग में जैसा आपको पता है झूठ बिल्कुल भी चलता नहीं है। कितने के लिए भाई, सच्चे बताओ? 700 रुपये। 700 ना? 700 रुपये के लिया, पहले बोल रहे थे 900 रुपये का। नहीं आगे तक है वैसे, और भी है। हाँ आगे है पूरा। एक वो था यहाँ पे लिखा हुआ आई लव मसूरी करके, वहाँ पे रात को खड़े होते हैं सारे जाहिल जानवर, फोटो नहीं खींचने देते एक दूसरे को। ये रहे मोमोस। अच्छा तो मैं भाई देखो मेरे जुमान में सरस्वती बैठी है, अभी मैं इसी की बात कर रहा था और आ ही गया ये खुद ही आई लव मसूरी वाला अभी तो। अच्छा सॉरी मैंने इंक्लूड कर दिया तुम्हें इसमें। मैं कह रहा था भाई जानवर वगैरह, भाई ने शायद दिल पे ले ली बात, वो भी चलेगा फोटो खिंचाने। लूँ फोटो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द मसूरी हिल्स ऑफ द क्वींस। तो भाई मसूरी आ रहे हो तो भाई ये मिस मत करना। ये है मसाले वाला भैया, यही बना देना यार। एक ही क्या दारू बेच रहे हो भैया? एक ही गिलास बनाना भैया। कह रहे कितने गिलास? मुझे लगा पैक वैक बना रहे हैं भैया। तो भाई 50 रुपये का ही है, सस्ता हो जाएगा और लोग आएंगे तो मेरी वीडियो देख के, या उन्हें खाई से फेंक दोगे नीचे? अरे मजाक कर रहा हूँ, खाई से फेंक देना उन्हें नीचे, जो भी सस्ता करने की बात करे। क्यों नहीं नहीं खट्टा भाई, खट्टा है बहुत तगड़ा, खट्टा बनाया मजा आ गया। अंकल जी ने रास्ता बताया और भाई बहस करने लग गए, शर्म आनी चाहिए। वो लगा दो ना बोर्ड, कृपया रास्ते ना पूछे मुझसे। हाँ सही में मजाक नहीं कर रहा, वृंदावन में तो लगा रखा है बंदों ने। कौन सा कुत्ता भाई? बात तो सही बोली। अंकल जी कह रहे हैं कि जब से गरीबी आई कोई कुत्ता इनके सामने नहीं खटखटा रहा, कुत्ते को पता चल गया कि गरीबी आ गई। चलो चलो धन्यवाद अंकल जी, बाय। हाँ कर दी मैंने, चेक कर लो आप। भाई अब कुछ हरामी क्या करते हैं कि ये खा लिया, बट अब उनके बाद उनसे कष्ट नहीं होता कि इसे डस्टबिन में फेंके क्या। चलो तो भाई जब भी ले रहे हो तो भाई इसे डस्टबिन में फेंका करो, क्योंकि तुम्हारे भाई बाप की रोड नहीं है कि कहीं भी फेंक दो। तो भाई यहाँ पे ये हुआ था कि भाई जो है वो शॉल ले लिया था, बट शॉल के पैसे नहीं दिए, बट जो सेल कर रहा था उसे एकदम याद आ गया, उसने बोला पैसे। ओ भाई पैसे नहीं दिए। तो भाई अभी ये ले रहे हैं शॉल, पहले ली जैकेट अब ले ली भाई ये शॉल। हालांकि भाई हमने स्केप करने वाले थे, बट भाई को याद आ गया कि पैसे नहीं दिए। थैंक्स भाई। भाई मैंने एक चीज़ देखी कि मतलब भाई बॉयफ्रेंड बना रखे अच्छी बात है, बट भाई उनके जो बंदे हैं भाई 180 मतलब 120 की स्पीड पे बाइक चला रहे हैं। भाई जब किसी चीज़ को तुमने भाई सच्चे दिल से चाहा है थोड़े टाइम के लिए तो भाई उसकी भाई हिफाजत तो रखो, आगे कहीं गिर गए बताना 140-160 की स्पीड में। जैसे भैंस की आँख भाई कहीं रूम वूम में ले जा रहे हो तुम लोग साले। तो वही है भाई, अपना पार्टनर जो है थोड़ा देख के चूज करा करो, जो भाई हमेशा साथ रहे शादी का मतलब साथ निभाए, ये नहीं कि भाई काम हुआ ख़त्म भाड़ में जाए ऐसा। देखो धूप भी पड़ रही है मेरे चेहरे पर, शाइन मार रहा हूँ मैं। तो भाई अभी मैं फोटो खिंचा रहा हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ अंडी मंडी संडी, जब तक मैं फोटो ना खिंचाऊँ इस रास्ते से गया। तो भाई यहाँ पे नेम प्लेट वगैरह और की चेन मिलती है। की चेन कितने की है? 40-50 की? कितने की है? 50 की पूरी लेटर के साथ ना। तो भाई हर शॉप पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि मतलब जैसे सामान ले लिया और वापस आ रहे बिना पैसे दिए, तो जो दुकानदार पकड़ रहा है उनको दे दे रहे हैं, और मतलब सीधा बन रहे हैं हम लोग की और सॉरी हम भूल गए, और जहाँ पे नहीं पकड़ पा रहे वहाँ पे भाई हम सामान जो है गटक रहे हैं तगड़े से ठस्से में। कर दो सिस्टम चले कर दिया सिस्टम
मैगी मैगी भाई, अगर पहाड़ों पे आ रहे हो तो भाई मैगी खा लिया करो। और मैगी और क्या होता है, ये भुट्टे वुट्टे जो रहते हैं, तो अभी देखता हूँ कुछ खाया तो, वरना फिर नीचे देहरादून चलते हैं, वहाँ पे खा के अपना निकल लेंगे ऋषिकेश, क्योंकि हम आए ऋषिकेश से। भैया देख लो यार प्लीज, देख भी नहीं रहे भैया, फोन में व्यस्त है भैया, अभी ठोक देते फिर कहते मेरी गलती है। मैंने भैया आपको अच्छा सॉरी भैया, कौन है मैगी भैया? मैगी प्लेन मैगी चाहिए, कितने की? 50 रुपये प्लेन वाली बना दीजिए। एक ही अभी, एक ही की औकात है मेरी। हाँ 50 रुपये गुल्लक तोड़े, 50 रुपये निकले ठीक। मुझे लगा आप 40 बोलोगे, 10 रुपये बच जाएंगे, बट कोई नहीं। तो भाई अब निकल रहे हैं मॉल रोड, सॉरी मॉल रोड से जा रहे हैं भाई, कट लिया टाइम, काट लिया। बाकी मैं आता नहीं यहाँ पे, बट इसलिए आया क्योंकि मैं 15-20 दिन से भाई ऋषिकेश पड़ा हूँ रूम पर ही, इतना मतलब ऋषिकेश ही घूम रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा आगे चले जाता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे आ रखा हूँ कि तुम्हारा कुछ काम आया ना है, पर भाई तुम मतलब एक लड़का दिखा सकता है स्नैपचैट में कि लड़की के साथ है, तुम्हारी चुटिया दिखा के चिढ़ा सकता है वो अपनी बंदी को। क्या कह रहे हो? साला भाई हमारे 4 तेल थे, 4 पॉइंट नहीं, 2 तो खत्म हो गया था यहाँ पे, मैंने देखा था 2 खत्म। हाँ ओ भाई, एक जिस हरामजादे ने भी निकाला है ना भाई, पिटेगा वो भाई, मजाक नहीं कर रहा, जिसने भी निकाला है ना। कोई नहीं भाई, आज तुमने हमारा तेल निकाला है ना, कल हम तुम्हारा निकालेंगे भाई। चोर कितना गंड फट्टल था, वैंचो वापस जला डाल के चला गया पेट्रोल, देखो एक था ना अभी 2 हो गए, देख रहे हो फट्टू साला भाई, दिल्ली का डोर है, दिल्ली के एस किया क्षेत्र फाट रखा है, ज्यादा बोल लिया क्या भाई। जिंदगी में कितनी भी नीच से नीच हरकत कर लेना, बट भाई मतलब पहाड़ों पे मतलब बाइक या स्कूटी बंद करके कभी मत चला, पेट्रोल बचाने के लिए, सही कह रहा हूँ भाई? ना भाई नहीं के? आप क्या अच्छा आप थोड़ी करते भाई, इन्होंने फंडिंग कर रखी है ना, शेड्स लगा रखे हैं पेट्रोल में, तो जितना बचा सकते हैं उतना बचाते हैं पेट्रोल। बाय बाय अंकल, नमस्ते अंकल, अंकल जी। भाई इस रेस्टोरेंट का नाम पढ़ो क्या लिखा है, रोजाना रेस्टोरेंट। वेंचर तो दूर रहते हैं, वो कैसे रोज आएंगे भाई? अभी क्या हुआ यहाँ पे गए हम, रुक जाओ हैं, अभी क्या हुआ भाई, हम यहाँ गए तो यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा ली, हालांकि भाई मैं 2 बार आ रखा हूँ, मैंने खा रखा है, तो मैं तो ऐसे फोटो खिंचाने गया था, तो अंकल कहते स्कैन स्कैन कर लो, हम इन्होंने कहा ठीक है करते हैं, और भाई फोटो वोटो खिंचा ही आ गए। अंकल देख रहे हैं, निकाल लो फटाफट, मैं आगे मिल रहा हूँ मोड़ पे मिल रहा हूँ मैं अंकल। देख भाई कुछ भोसड़ी वालों ने हमारे उसमें वो बाधा डाल दी थी धुआं वगैरह, पर तुम्हारा भाई निकल गया इन चीज़ों से, क्योंकि भाई भगवान हमारे साथ है। तो भाई व्लॉग अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।